नमस्कार दोस्तों, मैं शीशाधर टेज गार्डन रीवा से बोल रही हूँ। दोस्तों आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं तुलसी के बारे में आपको बताऊंगी कि देखिए मैंने अपनी तुलसी, ये मेरी तुलसी कितनी हरी भरी है, जबकि ये पुरानी तुलसी है, पिछले बरसात की है, एक साल और ये 15 जनवरी है, देखिए 1.5 साल की कम से कम होने लगी ये। तो ये पुरानी तुलसी है, ये मैं नई तुलसी लाई हूँ, तुलसी लगाई हूँ क्योंकि ये मैं अक्टूबर में लगाई थी, मैं तुलसी विवाह करती हूँ तब देखिए ये सिंदूर लगा हुआ है। और ये मेरी नई तुलसी कृष्णा तुलसी है, ये भी कृष्णा है और ये रामा तुलसी है और ये भी कृष्णा तुलसी, ये पुरानी, देखिए इसकी लकड़ी एकदम लकड़ी आ रहा है, ये भी पुरानी है फिर भी कितनी स्वस्थ और हरी भरी है। क्या है, ठंड में ज्यादा पड़ने से, पाले पड़ने से पत्तियां इसकी खराब होने लगती है, पत्तियों में काला कालापन दाग आने लगता है, कीट पतंगे। तो ये देखिए कहीं इसमें मेरी एकदम पत्तियां बिल्कुल फ्रेश है और ये पुरानी होने के बावजूद भी कितनी घनी है। अब ये पुराना पौधा है तो लकड़ी लकड़ी टाइप का होने लगा है, ये भी देखिए लकड़ी, और नया पौधा अलग ही रहता है, ये देखिए, और ये भी नया पौधा है। तो दोनों नए और पुराने दोनों स्वस्थ हैं। बस मैं क्या करती हूँ, ठंड से बचाने के लिए इसको, जैसे बड़े पेड़ हो जाते हैं कनेल के गुड़हल के, तो उसके नीचे रख, तो डायरेक्ट इसमें ठंड का असर नहीं होता है। और गर्मी में भी मैं यही करती हूँ, मैं उन पेड़ों के नीचे रख देती हूँ जिससे ज़्यादा गर्मी का भी असर ना हो। और तुलसी का पौधा है तो मैं सब प्रकार की फर्टिलाइजर तो इसको दे नहीं सकती हूँ, तो बस मैं क्या करती हूँ, जोड़ा करके गोबर की खाद एक दो माह में डाल देती हूँ, ये पुरानी गोबर की खाद है। और ठंड में मैं थोड़ा, जैसे ये एक पौधा है तो मैं ये हल्दी डाल देती हूँ, इतनी सी हल्दी, इतनी हल्दी एक पौधे में गोड़ा करके। और अभी इस समय ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो मैं हल्दी के साथ इतना सा ये मेथी पाउडर भी मिला देती हूँ गोड़ा करके, जिससे, और एक चम्मच में एक या दो माह में, ज़्यादा मैं वो नहीं करती हूँ, तो एक दो माह में मैं बस थोड़ा सा इतना एक पॉट में इतना मैं गोबर ले लेती हूँ, और ये गीली हो गई है, अभी बारिश हुई बाहर थी, और इतना ही इसमें राख मिला देती हूँ बस। लेकिन इस समय ठंड भी पड़ रही है तो मैं ये सब प्रक्रिया करने के बाद मैं इतनी सी ये हल्दी एक पॉट के लिए और इतना सा ये मेथी पाउडर, क्योंकि ठंड पड़ रही है तो ठंड से हमारे पौधे की सुरक्षा हो, किसी प्रकार का फंगस अटैक ना हो, अब मेरी तुलसी स्वस्थ हरी भरी रहे और पत्ते इससे बहुत आए। और वैसे पत्ते, पुराने पत्ते तो झड़ते हैं, ये नियम, ये प्रकृति का नियम है कि पुराने पत्ते तो झड़ेंगे ही, लेकिन ये है कि जो नए पत्ते बनते रहते हैं, तुलसी हमको मिलती रहती है और जो पत्ते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। और दोस्तों ये तुलसी में के पत्तों में जो काले काले पत्ते हो जाते हैं, लगता जैसे कीड़े लग गए हैं और कोई, तो हम क्या करते हैं कि जैसे एक पौधा, मतलब हम इतना एक पौधे के हिसाब से इतना पानी में, एक गिलास पानी में इसको घोल लेंगे, और जब ये अच्छे से उसका मिल जाएगा, उसका अर्क आ जाएगा, तो हम छान के और अपने पौधे में स्प्रे कर देंगे, तो ये पौधे में गर्माहट भी देता है और ये फंगीसाइड का भी काम करता है। हल्दी एक बहुत अच्छा फंगीसाइड है। और क्या है, आपके पास जैसे बड़े पेड़ नहीं हैं तो रात में पन्नी डाल दें जिससे डायरेक्ट ठंड ना पड़े, गर्मी के समय में एक पन्नी डाल दें जिससे ज़्यादा धूप ना पड़े, और पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, जैसे कोई बहुत पानी डाल देता है तो तुलसी भी हमारी, इसकी जड़ें खराब हो जाती हैं। तो अभी तो बरसात हुई है और नहलाए भी हैं, उसके हिसाब से देखिए पानी, हमारे मिट्टी तो गीली है लेकिन रुका नहीं है क्योंकि इसमें सैंड मिला हुआ है, सैंड गोबर की खाद और नॉर्मल सॉयल मिली हुई है। तो क्या करती हूँ मैं, 60% है नॉर्मल सॉयल और गोबर की खाद है और 40% मैंने इसमें बालू डाला है, कभी पूजा करने वाले ज़्यादा संख्या में हो जाती हैं, तो इन सब बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए तो तुलसी हमारी स्वस्थ और हरी भरी रहेगी। और जैसे ये देखिए सूखे पत्ते झड़े हुए हैं तो ये सूख जाते हैं, मैं किनारे कर देती हूँ, या पूजा के फूल मैं किनारे कर देती करती रहती हूँ, और जब वो सूख जाते हैं तो मैं इसी में मिला देती हूँ। तो इस तरह में हमारी तुलसी बहुत अच्छी रहती है, तुलसी के भी पूजा के बिना घर अधूरा रहता है और सारी पूजा अधूरी रहती है, इसके पत्तों के बिना तो सारी ग्राम प्रसन्न भी नहीं होते हैं, इनका भोग नहीं लगता है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा।